सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे पोको M2 प्रो के बारे में। सो गाइस, वीडियो का एंड तक देखना है, चैनल पर नहीं आता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, रिसेंटली पोको ने अपना पोको M2 प्रो लॉन्च कर दिया इंडिया में, लेकिन भाई मैंने जब इसका पोस्टर और इसका टीजर देखा फ्लिपकार्ट में, तो मेरे को लग गया कि भाई ये पक्का रीब्रांड होने वाला है रेडमी 10X या फिर रेडमी नोट 9 का। सो वही हुआ, तो रिब्रांड तो नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ चेंजेस कर लिया यहाँ पर। और इसका टीज़र देख के मेरे को लग रहा था कि भाई ये रेडमी नोट 9 प्रो ही है, तो वही निकला। लेकिन यार इसमें चार्जिंग क्वालिटी आप में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो जो भी लोग अभी रेडमी नोट 9 प्रो के पीछे भाग रहे थे ना भाई, छोड़ दो उसको, आ जाओ पोको M2 प्रो पे। अभी आप ब्रांड का बोलोगे तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करने वाला, यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है लेकिन इसके पार्ट्स चाइना से आए, ठीक है, तो वो आप पर छोड़ता हूँ। जिसको भी लेना है, 14 जुलाई को इसकी सेल है फ्लिपकार्ट पे, तो 12 बजे सेल है, दोपहर को जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है, परचेस करना है तो। और रेडमी नोट 10 प्रो और इसका कंपेरिजन वीडियो बनता है तो मैं हो सके तो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और कुछ नहीं, उम्मीद करता है वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है।